In this video, we are going to discuss about what is a word processor, what are the different functions that a word processor is used for, what are the different types of word processors, and we will discuss about the introduction about Microsoft Word. Clear? Now, what is a word processor? Word processor is a software program that enables us to process words, paragraphs, pages, or an entire document. Or in simple words, we can say it's a software program that is used for typing text or creating documents and store it electronically. And after storing it, we can modify it, we can edit it, and we can take a printout of that document. Clear? So ye word processor hota kya hai? Ek aisa software program hota hai. ठीक है, तो जो हमें किस में हेल्प करता है, टेक्स्ट टाइप करने में. ठीक है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं. ठीक है, एक राइटिंग टूल एक्ट करता है. ठीक है, और उसके बाद उस टेक्स्ट को हम स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं. एंड दिस वर्ड प्रोसेसर हैज रिप्लेस्ड द टाइप राइटर्स इन मोस्ट ऑफ द ऑफिस. तो पहले पहले होता क्या था कि टाइप राइटर्स ऑफिस में यूज होते थे टाइपिंग के लिए. तो ये वर्ड प्रोसेसर जो है इसने उन टाइपराइटर्स को रिप्लेस किया. और उन टाइपराइटर्स का डिसएडवांटेज ये था कि अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाती तो वो डिलीट नहीं होता, इरेज नहीं होता. तो इसमें इस वर्ड प्रोसेसर में एक फीचर है जिसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. डिलीटिंग टेक्स्ट एक फीचर है जिसको हम यूज करके मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इस वर्ड प्रोसेसर ने टाइपराइटर्स को रिप्लेस किया मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में. ठीक है, ताकि हम अगर कहीं पे गलती भी हो जाए, मिस्टेक भी हो जाए, ठीक है, या अगर कुछ एडिट करना होगा तो हम इस वर्ड प्रोसेसर में वो कर सकते हैं विद ईज. ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. तो इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की फंक्शंस क्या है, हम इसमें करते क्या है. ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ टाइपिंग टूल. ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं. एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट दिस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर एडिटिंग, क्रिएटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स. हम इसमें क्रिएट मतलब टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फिर उनको अगर एडिट करना होगा या कुछ ऐड करना होगा वो भी कर सकते हैं इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में. आफ्टर दैट वी कैन सेव इट एंड देन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वर्शन में डॉक्यूमेंट है उससे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर हमने प्रिंट आउट उस डॉक्यूमेंट का लिया तो हम उसे हार्ड कॉपी कहते हैं. ठीक है, वॉट एल्स वी कैन डू इन दिस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट. वॉट एवर वी हैव टाइप्ड, जो हमने लिखा हुआ है, हम उसका क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, उसको डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं उसमें. और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इस वर्ड प्रोसेसर में, वी कैन क्रिएट एंड एडिट टेबल्स. हम टेबल्स को अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट, या उनमें भी टेबल्स में भी फॉर्मेटिंग स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं. वन मोर थिंग वी कैन डू इन दिस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज़ दैट वी कैन इंसर्ट डिफरेंट पिक्चर्स, और वी कैन से मल्टीमीडिया. क्लियर, pictures, photographs or illustrations that we can use in this word processing software. And the most important feature of this word processing software is that spelling and grammatical mistake. Spelling and grammatical mistake, this word processor indicates once the spelling of a word is incorrect. The word is underlined with the red color of wavy line or zigzag line. And if there is a grammatical mistake, then it's underlined with the ग्रीन लाइन. अगर हमारे वर्ड में जो हमने टाइप किया हुआ है किसी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, या वो वर्ड हमारी कंप्यूटर सिस्टम की डिक्शनरी में नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है. ठीक है, तो और वो हमें कैसे पता चलता है, उस वर्ड के नीचे एक रेड लाइन जिगजैग एक वीवी लाइन आती है. ठीक है, इसी तरह अगर हमारे डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो वहाँ पर एक ग्रीन लाइन आती है. ठीक है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स. Now, examples of word processing
प्रोग्राम्स, तो हमारे पास कितने टाइप के वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं? बहुत सारे हैं, लाइक वी हैव एडोब इन कॉपी, वर्ड परफेक्ट, क्लैरस वर्क्स, लिब्रा ऑफिस राइटर, देन लोटस 1-2-3, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डिवेलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट. क्लियर? नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज इन योर सिलेबस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. वट इट इज ऑल अबाउट? इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जैसे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट, यू हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क, व्हाइल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज दैट activities of a computer system. So this Microsoft Word, it's an application software and it is the most popularly used word processor, word processing software. So what is the main function of this word processor or Microsoft Word? It is generally used to type or write letters, reports. Clear? That means it is used for typing the text. And we can also do the different formatting styles we can apply in this Microsoft Word, like we can add borders, shading, text style, pictures, and all the things that we have earlier discussed in word processor. All those things we can apply with the text that we have typed in Microsoft Word. So in short, Microsoft Word is an application software. It is the most popularly used word processor program used for typing the text. Now I'll tell you about the steps of word processing software. First step is, you need, if you want to open the Microsoft Word, you need to click on the start button. Then after, once you click on start button, a start menu will appear and select the all programs from there. Once you have selected the all programs, then you will get the Microsoft Office package over there. Click on Microsoft Office, then in that package you will get a number of softwares, application softwares. You need to choose the Microsoft Word from them. So first step, आपने क्या करना है, start button पे click करना है. फिर उसके बाद क्या करना है, next step is click on all programs, then Microsoft Office, then from Microsoft Office package you just need to select the Microsoft Word. Once you have opened the Microsoft Word, you will get this type of window as you are able to see on the screen. And we will discuss the different components of this Microsoft Word in next video. Clear?